हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। बैठक में संघ संस्थापक बीडी शर्मा व प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा के द्वारा जिला कोषाधिकारी हमीरपुर से अनुमोदित अपने सदस्यों को उनकी सुविधा हेतु पेंशनर पहचान पत्र भी सौंपे गए। इसके अतिरिक्त बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। सर्वप्रथम बैठक में के असामयिक निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। बैठक में भाग लेने वाले संघ संस्थापक बीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा, उप प्रधान लेखराज कौशल, मनमोहन शर्मा, सलाहकार सालीग्राम ठाकुर, सुजानपुर प्रधान वेद प्रकाश पाठक, टौणी देवी प्रधान जगदीश चंद शर्मा, प्रेस सचिव अनुरुद्ध डोगरा आदि प्रमुख रहे। बैठक में संघ संस्थापक बीडी शर्मा व प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा के कर कमलों द्वारा जिला कोषाधिकारी हमीरपुर से अनुमोदित अपने सदस्यों को उनकी सुविधा हेतु पेंशनर पहचान पत्र भी सौंपे गए। इसके अतिरिक्त बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेशाध्यक्ष ने बैठक में जानकारी दी कि इस वर्ष प्रदेश स्तरीय पेंशनर दिवस समारोह जिला मंडी के गोहर में बनाया जाए। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि पेंशनरों की लंबित मांगों व समस्याओं के बारे में शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। जिला प्रधान द्वारा खंड इकाइयों के पदाधिकारियों से नियमित बैठक आयोजित करने व सदस्य अभियान को जारी रखने पर जोर दिया। उनके द्वारा हमीरपुर खंड पदाधिकारियों से आह्वान किया कि हमीरपुर शहर में सदस्यता का कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाए जाएं। उक्त के अतिरिक्त बैठक में कोषाध्यक्ष लेखराम कौशल, प्रेमचंद शर्मा, जीसी राम बिमल, वरिष्ठ उप प्रधान विचित्र सिंह ठाकुर, उप प्रधान दीप चंद शर्मा, धर्मदास चौधरी, धर्म सिंह ठाकुर, अजीत कुमार, बंसी राम जोगिंदर, हरवंश कतना सहित अन्य पेंशनरों ने भाग लिया। आज हिमाचल पेंशन संघ की जिला स्तरीय मीटिंग पेंशन भवन में हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। सरकार को हमने बीते दिनों डिमांड चार्टर भेजा था, जिसका सरकार ने पत्र के द्वारा हमें उत्तर भी दिया है और वो कंसीडरेशन के लिए सरकार ने रख लिया है और ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही सरकार हमें डिमांड्स के ऊपर चर्चा करने के लिए, मांगों को मानने के लिए हमें बुलाएगी। इसके साथ ही आज की मीटिंग में ये भी चर्चा की गई कि 17 दिसंबर 2019 को हमारा प्रदेश स्तरीय पेंशन दिवस मनाया जाता है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। अभी तो यही संभावना है कि इस प्रदेश स्तरीय पेंशन दिवस को जिला मंडी के अंतर्गत गोहर नामक स्थान में मनाया जाएगा। उसके लिए हमने अपनी बॉडी को ये निर्देश दे दिया है कि उसकी तैयारी के लिए वे अपना काम शुरू कर दें और वहाँ पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही हमने बहुत ये चर्चा भी की है कि जो हमारे अन्य जिला हैं उनमें भी बारी बारी से प्रदेश स्तरीय मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा, ताकि पेंशन के अंदर एक जागृति पैदा हो, जागरूकता पैदा हो और अपने अधिकारों के प्रति सरकार से हम अपनी आवाज को चारों ओर से बुलंद कर सकें। धन्यवाद। आज हमारे जिला के प्रधान श्री केसी गौतम जी ने जिला के अंदर सभी पेंशनर्स के आई कार्ड जो हैं वो जिला कोषाधिकारी के सौजन्य से बनवाए हैं, जिनको आज इस जिला स्तरीय मीटिंग में बांट दिया गया है और जो अन्य पेंशन जिनके आई कार्ड नहीं बने हैं भविष्य में अगली मीटिंग में उनको तैयार करवा करके अन्य पेंशन साथियों को दे दिए जाएगा।